जिसके कारण बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिलती थी। और इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो योजनाएं महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमेशा कोई समाज या कोई वर्ग पिछड़ता तब है जब उसे जानकारी नहीं होती है किसी व्यवस्था के बारे में या शासन की योजनाओं के बारे में या व्यवस्था के किसी उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती, वह उसमें पिछड़ जाता है। और इसलिए अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि शासन की योजनाओं को लागू करने का माध्यम हमारे संस्थाओं को बनना पड़ेगा, कॉलेजेस को बनना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों को बनना पड़ेगा, महाविद्यालयों को बनना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं में से निकलने वाले छात्र छात्राएं एक समय के बाद इन्हें क्रियान्वित करेंगे। अब जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात सामने आई कि देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफी कम है कुछ क्षेत्रों में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यक्रम चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हम बेटा हो बेटी हो इसमें भेद न करें, बल्कि समान रूप से वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बना, विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम बने, फिर अनेक योजनाएं आगे बढ़ी। मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है और बाकी योजनाओं को आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में एक एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना। सामान्यतः यह स्वच्छता का मानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये नारी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिन परिवारों के पास अपना